अस्सलाम वालेकुम सो बिस्मिल्लाम्स इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू दैट तहसीलदार जॉब्स हैव बीन अनाउंस्ड दिस इज द एडवर्टीजमेंट नंबर 18 विच इज़ पब्लिश इन टुडेज़ न्यूज़पेपर और इसके सीरियल नंबर 179 में मेंशन में में है कि तहसीलदार की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं तहसीलदार कंसोलिडेशन ऑफिसर हिल टॉरेंट ऑफिसर रीडर टू मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती हैं 16 स्केल की जॉब है और 14 पोस्ट अनाउंस हुई हैं दीज जॉब्स आर ऑन रेगुलर बेसिस इंक्लूडिंग वन जॉब रिजर्व फॉर माइनॉरिटी कोटा नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज बाय हायर एजुकेशन कमीशन एंड कंप्यूटर लिटरेट आपने किसी एच एस रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हो और कम अज कम सेकेंड डिवीजन हो और साथ में आप कंप्यूटर लिटरेट भी हों यानी आपको एम एस ऑफिस का थोड़ा बहुत काम आता हो नेक्स्ट बात करते हैं एज की फॉर मेल ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी एट प्लस फाइव इज इक्वल टू थर्टी थ्री ईयर फीमेल ट्वेंटी एट प्लस एट इज इक्वल टू थर्टी सिक्स ईयर एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्टेंट ऑफ देयर सी एन आई सी रिमेनिंग प्री कंडीशन द कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी एज फॉर इज एज इज कंसर्न शेल बी द फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हार वर द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल एंड कम्प्लीट ऑल अदर प्री कंडीशन क्वालिफिकेशन फॉर द एग्जामिशन ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट एज गि इन दिस एडवर्टिजमेंट द कैंडिडेट्स विल प्रोड्यूस दरिजिनल सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ऑथेंटिकेट द क्लेम इन द एप्लीकेशन फॉर्म इस प्री कंडीशन में तीन चीजें मैंशन हैं पहली है कट ऑफ डेट दूसरी है कि कैंडिडेट ने अपनी तमाम क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना है बिफोर द क्लोजिंग डेट और तीसरी ये है कि कैंडिडेट्स अपने ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यू के लिए आएंगे अब बात करते हैं जेंडर डोमिसाइल और प्लेस ऑफ पोस्टिंग की इन पोस्ट के लिए मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है ऑल ओवर पंजाब यानी पंजाब में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है नेक्स्ट आ जाता है सिलेबस फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन द रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड कंप्राइजिंग द फॉलोइंग फोर पेपर्स इज इक्वल टू टोटल फोर मार्क्स चार पेपर्स होंगे और हर पेपर के हंड्रेड मार्क्स पेपर वन विल बी ऑफ इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन हंड्रेड मार्क्स पेपर टू विल बी ऑफ उर्दू एसे एंड कंपोजिशन हंड्रेड मार्क्स पेपर थ्री विल बी एम सी क्यू टाइप पेपर ऑफ नाइन्टी मिनट्स ड्यूरेशन कंटेनिंग क्वेश्चन रिलेटिंग टू द फॉलोइंग जनरल नॉलेज अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी परसेंट एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज अप्रोक्सीमेटली थर्टी परसेंट यानी जो आपके हंड्रेड मार्क्स के एम सी क्यू आएंगे उसमें सेवेंटी परसेंट मार्क्स जो हैं वो जनरल नॉलेज के पोर्शन के होंगे और 30 परसेंट मार्क्स जो हैं वो बेसिक कंप्यूटर स्टडीज के होंगे जनरल नॉलेज में क्या आ जाता है पाकिस्तान स्टडीज करंट अफेयर्स इस्लामिक स्टडीज जनरल नॉलेज फॉर द नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स जोग्राफी बेसिक मैथमेटिक्स इंग्लिश उर्दू एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज में आ जाता है एमएस ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग इंटरनेट ई मेल पेपर फोर विल बी एमसीक्यू टाइप पेपर ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन ऑन द रेवेन्यू लॉस और ये पेपर भी 100 मार्क्स का होगा नोट क्या है द कैंडिडेट्स हु एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू जो कैंडिडेट्स रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे उनको साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और ये जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वायवोबोस है इसके मार्क्स टू होते हैं इसके बाद नीचे इंपॉर्टेंट नोट्स में mention किया गया है नेगेटिव मार्किंग शेल बी मेड एंड जीरो पॉइंट टू फाइव मार्क्स शेल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर इन द एमसीक्यू पेपर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि एमसीक्यू पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे सेकेंड चीज़ है अ कैंडिडेट शैल है एंड फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन द एग्रीगेट टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए दो शर्तें हैं कि हर पेपर में फोर्टी परसेंट मार्क्स हों और इन द एग्रीगेट जो है वो आपके फिफ्टी परसेंट मार्क्स बनते हों Thereafter, a candidate shall also secure 50% marks in the interview to be held eligible for the final merit list of the successful candidates. Or iske baad aapko interview mein bhi 50% marks secure karna padenge to be held eligible for the final merit list. 19 October is the last date for the submission of online applications. So go to the PPSC website and apply for it. I will be uploading some past papers regarding these jobs. Till then stay tuned. Thank you. Allah Hafiz.